अहम खबर ये आई है कि पाक भारत दोस्ती बस 16 मुसाफिरों को लेकर भारत रवाना हो गई। दोस्ती बस सुबह 6 बजे गुलबर्ग से रवाना हुई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे मुदस्सिर नवाब से। जी मुदस्सिर नवाब, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल जी, ये पाक भारत जो दोस्ती बस सर्विस है, ये जो आज सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब जो है ये गुलबर्ग से रवाना हुई है, और तकरीबन 16 के करीब ये और पाकिस्तानी मुसाफिर हैं जो जिनको ये पाक भारत दोस्ती बस सर्विस जो है वाघा के रस्ते लेकर रवाना हुई है। ये जब वाघा पर ये मुसाफिर जब पहुंचे हैं तो उनकी जो वाघा पर मौजूद जो हुकाम है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो है सिक्योरिटी मामला को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 1 से 2 रोज से जो है भारत के साथ पाकिस्तान की बहुत ही कशीदा सूरत हाल देखने में नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो गुज़िश्ता रोज भी इस बस को जो रवाना होना था इसी टाइम, लेकिन जो पाकिस्तान और भारत की सीधगी की वजह से ये भारत बस जो थी रवाना ना हो सकी, जिसकी वजह से आज इस बस को जो है रवाना किया गया है। और 16 के करीब जो मुसाफिर इसमें सवार थे वो भारत के लिए रवाना हुए हैं, जो यहाँ से जो है वाघा बॉर्डर के रास्ते नई दिल्ली पहुंचेंगे, और इस दौरान जो वाघा बॉर्डर पर हुकाम थे उनकी जानिब से कस्टम क्लीयरेंस और इमिग्रेशन क्लीयरेंस को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया गया है, और यकीनी बनाने के बाद इन मुसाफिरों को भारत रवाना किया गया है। जी सख्त सिक्योरिटी में मुसाफिरों को रवाना कर दिया गया। शुक्रिया मुदस्सिर नवाब।